कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जन आवाज नाम के कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में शिक्षा, कानून, गरीबी, किसान को लेकर कई वादे किए गए हैं। इन वादों में एक वादा है जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। असल में वो वादा है आईपीसी की धारा 124A को खत्म करना। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या है धारा 124A और ये विवादों के केंद्र में क्यों है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है और उसे खत्म किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 124A को ही राष्ट्रद्रोह का कानून कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि को सार्वजनिक रूप से अंजाम देता है तो वो 124A के अधीन आता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना, कार्टून बनाना जैसे काम भी शामिल होते हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर दोषी को 3 साल से लेकर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ये कानून आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने का है और आज़ादी के पहले से भारत में मौजूद है। ये कानून अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था और 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर दिया गया। उस वक्त अंग्रेज इस कानून का इस्तेमाल उन भारतीयों के लिए करते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी देश के कई क्रांतिकारियों और सेनानियों पर ये केस लगाया गया था। आज़ादी से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक को भी इस कानून के चलते सजा सुनाई गई थी। हालांकि आज़ाद भारत में इस कानून में कई बदलाव भी किए गए। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को लेकर टिप्पणी कर चुका है। इस कानून को लंबे समय से खत्म करने की बात कही जा रही है। जानकारों का मानना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दमन करता है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। संविधान की धारा 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इंडिया न्यूज़ पैरल की रिपोर्ट।